हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा है इसमें कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ अनदर ट्राइंगल्स जो है पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन के, ये शो करना है। और सेकेंड पार्ट है ए बी सी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता लग गया कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ हो गया और इसी तरह से एक ट्राइंगल हमने पी क्यू आर को ड्रॉ कर लिया। देखिए ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। अब इन्होंने देखिए क्या कहा है कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, टू साइड्स पी क्यू के। बी सी पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका कि ए बी देखिए रेस्पेक्टिवली आ रहा है, मीन्स ए बी किसके इक्वल है, वहां पर देखिए पी क्यू के इक्वल है। ए बी इक्वल है पी क्यू के और बी सी इक्वल किसके है, बी सी इक्वल टू है क्यू आर के। और आपका जो ए एम है वो किसके इक्वल है, पी एन के। ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये आपको गिवन है, इतने गिवन है। और यहां पर इससे पहले लिख सकते हो आप इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहां पर टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं हम। देखिए प्रूफ, पहला प्रूफ है आपका कि ट्राइंगल ए बी एम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एन के। और सेकंड पार्ट है आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के प्रूफ। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए एम की बात भी हो रही है और पी एन की बात हो रही है, जो क्या है इसकी मीडियन है। देखिए मीडियन क्या होती है, आपके इस वर्टिसेस से सामने वाली साइड्स के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होगी आपकी। देखिए यहाँ से आप जैसे यहाँ ए एम है तो ए वर्टिसेस से होगा, अब ए से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट क्या होगा, हमने ये मिड पॉइंट ले लिया, इसको हमने अगर आपस में मिला दिया है तो ये क्या हो गया, क्योंकि ए एम की बात करी तो ये एम मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ये जो ए एम है ये क्या है, आपकी मीडियन है। तो आपको यहाँ पता लगे कि अगर ए एम इस ट्राइंगल में मीडियन है तो एम क्या है, एम यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये ऑलवेज आपको याद रखना है कि एम क्या होगा यहाँ पे, मिड पॉइंट। जैसे आप इस वाले ट्राइंगल में क्या बताया था उसने कि उसमें इसमें जो आपका पी क्यू आर है इसमें आपको बताया है कि पी एन जो है वो क्या है, मीडियन है। तो जब पी एन मीडियन है तो यहाँ पे पी एन को आप ड्रॉ करिए पहले, ये आपकी पी एन होगी। तो यहाँ एन क्या होगा, एन आपका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन क्या होती है, वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है, मीडियन होती है आपकी। तो आपको मीडियन पता लग गई, तो ए एम और पी एम पता लगी। आप जो पहला जो पार्ट है देखिए उसमें ए बी एम को, ए बी एम ट्राइंगल को पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर ए बी एम और पी क्यू एन की देखिए तो ए बी इक्वल्स टू किसके है, पी क्यू के है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। और साथ साथ ए एम क्या है, पी एन के इक्वल हो गया। तो एस और एस तो लग गई, अब हमें एंगल लगाएं या फिर एस लगाएं, मतलब कुछ भी लगा कर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसको, ए बी एम को पी क्यू एन के। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि ये जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और एम मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको बी एम को क्यू एन के इक्वल करके दिखा सकता हूँ तो पहले उसको प्रूफ करेंगे यहाँ से, फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और इससे क्या होगा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले हम इसमें कह सकते हैं कि बिकॉज ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी।
भाई AM जब आपकी ट्राइंगल ABC में आपकी मीडियन है, तो यहाँ M इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC हो गया। सो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, therefore इसलिए कह सकते हो कि BM इक्वल्स टू क्या होगा, BM इक्वल होगा आपका CM के, और इक्वल टू जब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ये पूरे पार्ट के क्या होंगे, हाफ हो गए ना, तो ये किसको क्या कह सकते हैं हम कि ये क्या होंगे, BC बाई 2 हो जाएंगे, BC का हाफ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं। अब इसको इक्वेशन आप 1 कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से जैसे हमने AM के लिए कहा, इसी तरह से हम PN की बात करते हैं, किसकी, PN अनदर ट्राइंगल में, कि PN बिकॉज PN इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, सो क्या होगा, इसलिए N इज द मिड पॉइंट ऑफ द, N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, N क्या होगा, QR का मिड पॉइंट हो जाएगा, और देयरफॉर कि ये QN इक्वल्स टू क्या होगा, QN इक्वल्स टू RN हो जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 QR, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये पूरे पार्ट का क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो यहां से आगे QN इक्वल्स टू RN इक्वल्स टू हाफ QR, इक्वेशन सेकंड बना देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आप यहां देखिए एक बार इसको, कि हम जानते हैं क्या कि जो BC है, ये जो BC है ये QR के इक्वल है, देखिए BC इक्वल्स टू किसके है, QR के है। अगर मैं दोनों तरफ 1/2 कर दूं, 1/2 BC इक्वल्स टू 1/2 QR कर दी हमने, 1/2 BC इक्वल्स टू 1/2 किया। अब 1/2 BC क्या होगा, BC का हाफ या तो BM होगा या CM होगा। अब हम वो लेंगे जो हमारे काम आएगा, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसमें क्या आ रहा है, BM आ रहा है ना भाई, CM थोड़ी ना आ रहा है, तो यहाँ पे BM पार्ट आ रहा है, तो हम 1/2 BC की जगह क्या लिखेंगे, BM, और 1/2 QR की जगह क्या लिखेंगे, QN, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/2 QR पे आएगी या तो QN या RN, तो हम क्या लेंगे, QN ले लेंगे। अब इसको बना दीजिए जो है इक्वेशन थर्ड से पता लग गया BM किसके इक्वल है, QN के इक्वल है। अब आपको दोनों ट्राइंगल ले लेना जिनको आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब इसमें AB इक्वल्स टू किसके हो गया, PQ के, AB इक्वल्स टू PQ, ब्रैकेट में क्या रीजन है इसका, गिवन, क्योंकि ये दिया हुआ है, AB PQ के इक्वल हो गया, BM इक्वल्स टू QN के इक्वल हो गया, BM इक्वल्स टू QN, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन से आया नहीं, और उसके बाद क्या होगा, ये जो AM है वो इक्वल्स टू क्या होगा, PN के, AM इक्वल्स टू PN, ये भी आपको गिवन है, तो देयरफॉर आप कह सकते हो यहां ट्राइंगल ABM ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN, ये जो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया आपका, हैंस प्रूफ। पहले इसका रीजन भी देना पड़ेगा कि दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और ब्रैकेट में रीजन देंगे, ट्रिपल एस बाय SSS रूल, बाय SSS रूल, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया है। अब यहां पर देखिए, जब आपके दो पार्ट, आपके दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कौन से पार्ट को हम इक्वल करेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, हम अगर मैं इसको इक्वल कर लूँ, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमें आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा, क्योंकि अगला पार्ट क्या है, एबीसी और पीक्यूआर का है, मतलब पूरे एबीसी ट्राइंगल को पीक्यूआर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसमें एबी पीक्यू के इक्वल हो जाएगा, जो कि गिवन है आपका, ठीक है, बीसी क्यूआर के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपका गिवन है। लेकिन अब बचा क्या, अब यहाँ पे और ये तो साइड इक्वल नहीं है, कि भाई AC आपका PR के इक्वल है, ये तो नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम अगर इस वाले को, ये वाला देखिए, ये एंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल में भी आता है ABC में, और ये किस में आता है, PQR में भी आता है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा इन वाले दो ट्रायंगल में भी आता है, कि हम अगर CPCT से कह सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT। देखिए ये कौन से में आता है, एंगल बी ABM वाले में आता है, और PQN वाले में Q आता है, तो हमने एंगल बी को एंगल Q के इक्वल कर दिया, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से आपका इक्वल हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आपका करते हैं हम सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ABC को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR।
तो इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू जो कि आपको गिवन है। तो अब एस हो गया, अब अगला क्या ले लेंगे हम, ए ले लेंगे, क्योंकि एस एस लगाएंगे ना प्रॉपर्टी, तो हम क्या लेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू के। और ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका, इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको दे देते हैं फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। और S हो गया, A हो गया, अब S क्या लेंगे, BC सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि ए बी सी में क्या आता है, BC आ गया, तो BC सी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू आर साइड के इक्वल होगी, और ये भी आपको गिवन है। सो देयर फोर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसका रीजन देंगे, बाय SAS रूल। तो SAS रूल से हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया, आपका प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।